नागपूरच्या इतवारी रेल्वे स्टेशन जवळच्या दही बाजार पुलाच्या बाजूला निर्वासाच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. अग्निशमक दलाच्या विभागाला माहिती मिळताच अग्निशमक दलाच्या पथकांनी आग विझवीत आग आटोक्यात आणली. मिळालेल्या माहितीनुसार तिथल्या स्थानिक लोकांनी घरगुती कचरा रस्त्याच्या कळेला जाळला होता व तसाच सोडून दिला. त्या कचऱ्याची आग पसरत झाडाला लागली. त्या जळत्या झाडांनी भीषण स्वरूप धारण केले व तीच आग तिथल्या स्थानिक जमीन शेख याच्या घराला लागली. या जमीन शेख याच्या घरात असलेले नगदी 1.5 लाख रुपये जळून खाक झाले व तसेच घराचे डॉक्युमेंट सुद्धा जळून खाक झाले. माझं नाव दिलीप चव्हाण, उप अग्निशमन अधिकारी, लकडगंज फायर स्टेशन. इतवारी रेल्वे स्टेशनच्या बाजूला 13:32 म्हणजे 1:32 आग लागली होती. त्यानंतर लकडगंज अग्निशमन विभागाची गाडी क्रमांक 49-28 कर्मचारी रवाना झाले आणि आग आता पूर्णपणे आटोक्यात आहे, म्हणजे पूर्णपणे विझलेलीच आहे. आणि कारण काय आहे, कसं काय आग लागण्याचे कारण अज्ञात आहे, काय निश्चित आज आम्ही इन्स्पेक्शन केल्यानंतर जानकारी झाली का काय? आतापर्यंत जानकारी झाली नाही आहे. आग पूर्णपणे आग विझवण्याचं काम चालू आहे, त्यानंतर रिपोर्ट घेऊन पुढील कारवाई आम्ही सांगू. किती लोक त्याबद्दल आता माहिती घेतली नाही आहे आम्ही. आग विझवण्याचेच कार्य सुरू आहे सध्याला. आता रिपोर्ट घेऊ, त्याच्यानंतर कळेल. किती गाडी आली? दोन गाडी, एक लकडगंज फायर स्टेशन आणि एक गंजीपेठ फायर स्टेशन. सर, मैं लालगंज झाड़े चौक भोला वर्मा बाजार समिति का अध्यक्ष. मुझे झाड़ी चौक से अंगार दिखी और लोगों ने बताया कि यहाँ पर अंगार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में इतना भयानक धुआं निकल रहा था और अंगार सब जगह लग चुकी थी. यहाँ पर कारण पूछा गया अंगार लगने का, तो लोगों ने बताया कि जो ये झाड़ पीछे में रेलवे की वजह से होने की वजह से झाड़ पूरा सूख चुका था और ये कारण इसमें पहले अंगार लगी. अंगार लगने की वजह से तापमान का कम से कम 47 डिग्री धूप थी, इस कारण फिर बाजू में खड्डे कुछ रखे हुए थे, तो खड्डे को अंगार पकड़ने की वजह से पूरा घरों में अंगार लगी. और क्या बोलते हैं, यहाँ पर सिलेंडर जो था वो सिलेंडर समय रहते हुए निकाल लिया गया. लेकिन एक बात है कि बेचारा गरीब आदमी का, ये गरीब आदमी की थोड़ा मदद और सहयोग प्रधानमंत्री बोलो या आमदार के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे पीछे करने वाला कोई नहीं है. कुछ जानकारी हुई क्या घटना में? 1,20,000 रुपए नकदी था. जो बेचारा आम का फल फ्रूट का व्यापार करता है, वो पैसे की भी जलने की जानकारी है. और वो बेचारा, वो गरीब एक ठेला लगाने वाला मजदूर आदमी है. अभी उसका कुछ भी समझ लो, कुछ भी पास में नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ भी नहीं है. क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम क्या है? जमीन. जी हाँ, मेरा जमीन फेक नाम है सर. यहाँ कचरा जलाए थे बोलते, उसके वजह से झाड़ का अंगार लगी, झाड़ की वजह से घर का अंगार लग गया सर. क्या क्या नुकसान हुआ? अंदर नकदी हमारा 1.5 लाख रुपए का सर, और हमारे भाई के भी कुछ थे और पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे घर के. क्या जला? पूरा हमारा पूरा सभी जला समझ लीजिए सर, पूरा डॉक्यूमेंट, घर के कागज वगैरह. आमदार से क्या मदद चाहिए? आमदार से बस हमारी इतनी मदद, हमारा मकान बन जाए सर. पहले झोपड़ा था हमारा, हमको सर कुछ थोड़ा सा कुछ हमारे को कुछ करिए हमारे लिए मदद सर. कुछ गरीब हम हाथ ठेला लगाते सर, फुटपाथ पर धंधा करते हैं, फल फ्रूट वगैरह बेचते सर. आपका नाम बताइए? मेरा जमील शेख, बाबू शेख. रहना दही बाजार दलालपुरा बिस्का पुलिया. महिला विकास स्वयं रोजगार बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सबके लिए है ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ. तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशम बाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का भरपूर आनंद. शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक. स्टॉल बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 7559222981.